तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल एंगल्स का, इसमें हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, चार ऑप्शंस हैं और चार ऑप्शन में से एक हमें लाना है। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें डिनोमिनेटर नहीं है, यानी डिनोमिनेटर को तो ऑब्वियसली हमें हटाना पड़ेगा। तो ऊपर से हम इसको देख के ऐसा करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, ये दो टर्म्स हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें और ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए, तभी हमारा सिर्फ न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर वन हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो कॉस 8 थीटा को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कॉस 2 इंटू 4 थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा प्लस 1। क्यों, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वैसे ही यहां पे 2 इंटू थीटा की जगह 4 थीटा है, तो ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2 प्लस 1, यानी कि माइनस 1 आ जाएगा और नीचे 2 कॉस थीटा प्लस 1 है। अब ये क्या हो गया, ये टर्म जो है ये हमारा 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर हुआ, ये 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर हुआ, तो 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू 2 कॉस 4 थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा प्लस 1 दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऑप्शंस में देखेंगे कि माइनस वाले टर्म्स लिखे हुए हैं 4 थीटा 2 कॉस 4 थीटा माइनस 1, तो अभी हम लोग इसको छोड़ के इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसको अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू कॉस 4 थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस 2 इंटू 2 थीटा प्लस 1, और सेकेंड वाले टर्म को हम लोग एज इट इज छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसको आप अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें माइनस 3 का टर्म आएगा जो हमारे किसी काम का होगा नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, और ना वो कैंसिल होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 का टर्म नहीं आएगा अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 2 इंटू कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अब थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये 2 cos square 2 थीटा माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 है 2 cos 4 थीटा माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा प्लस 1 एज इट इज रह गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4 cos square 2 थीटा और ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये फिर से माइनस 1 आ गया और हमारे पास 2 cos 4 थीटा माइनस 1 है और नीचे हमारा 2 cos थीटा प्लस 1 एज इट इज है। फिर से ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये वाला टर्म ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा प्लस 1 और 2 cos 2 थीटा माइनस 1 2 cos 4 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 1। यहां पे भी हम लोग माइनस वाले टर्म को रहने देते हैं क्योंकि इसको अगर आप फिर से खोलेंगे तो माइनस 3 का टर्म आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करके माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, और दिए हुए किसी भी ऑप्शन में माइनस 3 नहीं है इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे और फिर सिर्फ इसको ओपन करेंगे। इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाकी चीजें एज इट इज लिखते हैं 2 cos 4 थीटा माइनस 1 बाय 2 cos थीटा प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 और प्लस 1 फिर से माइनस 1 हो जाएगा
और ये 2 cos 2 theta minus 1, 2 cos 4 theta minus 1 divided by 2 cos theta plus 1. ये फिर से a square minus, ये 2 cos theta का whole square है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos theta plus 1 into 2 cos theta minus 1, 2 cos 2 theta minus 1 into 2 cos 4 theta minus 1 divided by 2 cos theta plus 1. 2 cos theta plus 1 और 2 cos theta plus 1 cancel out हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? 2 cos theta minus 1 into 2 cos theta 2 theta minus 1 into 2 cos 4 theta minus 1 जो कि हमारे option में है. तो answer हमारा finally क्या आ गया? यही आ गया, क्योंकि ये दोनों cancel हो गए, denominator 1 हो गया और बैलेंस जो बचा वो हमारा 3 फैक्टर आ गया. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का कुछ प्रूव करने को आ जाए, कोई आइडेंटिटी या कोई रिलेशन प्रूव करना है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक रिलेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. यहां पे भी कुछ वैसा ही होगा, यहां a हो गया cos थीटा, b cos 120 प्लस थीटा और c हो गया cos 120 माइनस थीटा. cos थीटा माइनस 120 या cos 120 माइनस थीटा सेम होगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा. तो अगर हम उस चीज को देखें तो हम लोग a प्लस b प्लस c, a b हमारा हो गया cos 120 प्लस थीटा और c हो गया हमारा cos 120 माइनस थीटा. अब हम लोग a प्लस b प्लस c देखें एक बार क्या आता है. cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा, ये हमारा cos थीटा है, ये cos a cos b यानी cos 120 इंटू cos थीटा माइनस 120 इंटू sin थीटा प्लस cos 120 इंटू cos थीटा प्लस sin 120 इंटू sin थीटा. ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, cos 120 होता है माइनस हाफ इंटू cos थीटा और ये टू टाइम्स हो रहा है तो ये 2/2, ये कैंसिल हो गया और cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहां हम देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c 0 ही है. अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है इफ a प्लस b प्लस c इज 0, जो कि यहां पे है. तो cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस 120 लिखिए या 120 माइनस थीटा, इट इज वन एंड द सेम थिंग. ये हो जाएगा 3 टाइम्स cos थीटा इंटू cos 120 प्लस थीटा इंटू cos 120 माइनस थीटा, 3abc हो जाएगा. यानी ये हो जाएगा 3 बाई 2, मैं कर रहा हूं बाई 2 कर रहा हूं क्योंकि ये 2 टाइम्स cos 120 प्लस थीटा इंटू cos 120 माइनस थीटा लिख सकूं. और 2 cos c cos d का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d. तो यहां पे हो जाएगा ये 3 बाई 2 cos थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos c प्लस d. cos c प्लस d क्या हो जाएगा, c प्लस d, इसमें थीटा और थीटा कैंसिल होके cos 2 40 डिग्रीज प्लस cos c माइनस d. cos c माइनस d यानी कि 120 प्लस थीटा माइनस दिस, यानी 120 कैंसिल और 2 थीटा बच गया, 2 थीटा बच गया. ठीक, अब ये क्या होगा, 3 बाय 2 cos थीटा, cos 240 कितना होता है माइनस हाफ. cos 240 कैसे निकालेंगे अगर आपको नहीं पता है, तो cos 240 इज cos 2 इंटू 120 और cos 2 इंटू 120 को लिखेंगे 2 cos square 120 माइनस 1 और cos 120 माइनस हाफ होता है तो 2 बाय 4 माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ आ जाएगा.
ऐसा ये स्टैंडर्ड एंगल, इसका वैल्यू आपको पता होगा। और कॉस टू थीटा को लिखेंगे हम टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, थ्री बाई टू कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री बाय टू। ये क्या बदल जाएगा, ये हो जाएगा थ्री बाय टू कॉस थीटा इंटू फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, टू इधर आ गया, टू एलसीएम यहां हुआ और टू इंटू टू फोर लिख दिया मैंने, तो ये हो गया थ्री बाय फोर फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। कॉस थीटा को अंदर ले गया मैं यहां पे, यहां आ गया कॉस थीटा को अंदर ले गया, तो ये लिख सकते हैं। और ये क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थ्री थीटा। कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया, थ्री बाय फोर कॉस थ्री थीटा। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, थ्री बाय फोर कॉस थ्री थीटा। इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो हमें एक दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम लोग अगर इसको लेके चले तो साइन एक्स क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे यह भी पता चलता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स होगा वो कॉस फोर एक्स के बराबर होगा, साइन सिक्स एक्स जो है वो कॉस ट्वेल्व एक्स के बराबर होगा, साइन फोर एक्स जो है वो कॉस एट एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है इसमें हम लोग कॉस ट्वेल्व एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस ट्वेल्व एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर सिक्स। तो पहले वाले टर्म को हम लोग साइन एक्स की पावर सिक्स लिख दें और इसको इसके साथ क्लब कर दें, तो ये हो गया कॉस सिक्स, कॉस एक्स की पावर सिक्स, थ्री इंटू कॉस एट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एट एक्स। क्यों लिखा हमने, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एट एक्स लिख सकते हैं, इन दोनों का सम टेन होगा, प्लस थ्री कॉस फोर एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, दोनों का सम एट आएगा। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एट एक्स, क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एट एक्स हो जाएगा साइन फोर एक्स प्लस थ्री कॉस फोर एक्स इंटू, ये कॉस फोर एक्स कहां से आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस फोर एक्स एक हम लोग रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर थ्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर थ्री प्लस इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखा, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बचेगा। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी इज वॉट, ए प्लस बी की पावर थ्री। क्यों, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी की पावर थ्री। अगर यहां हम देखें तो ए हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और बी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आप देखिए ये क्या बन जा रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, तो हमने ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, तो ये वन क्यूब इज इक्वल टू वन, तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इन दोनों ग्राफ्स के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे कि माइनस पाई और पाई के बीच में, बीच की वैल्यूज के लिए, द वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, माइनस पाई एंड पाई, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, दो ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पुटअप किया जा सकता था कि इन दोनों इक्वेशंस का नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस निकालिए, कहां कहां पे सेम सॉल्यूशन होगा, यानी कि हम इन दोनों ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहां पे एक आप देखेंगे एल्जेब्रिक हो गया एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है,
तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका इतना आसान नहीं, ग्राफ का की मदद लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा होगा, ये y इज इक्वल टू cos x है, ये हो गया 1 एट x इज इक्वल टू 0, एट पाई बाय 2 कॉस की वैल्यू 0 और यहां पे माइनस पाई बाय 2 होगा, माइनस 1 होगा यहां पे और ये वैल्यू होगी पाई, और ठीक वैसे ही यहां पे भी माइनस 1 होगा और ये वैल्यू होगी माइनस पाई। तो कॉस एक्स का तो ये ग्राफ होगा, दूसरा ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू हाफ का, वाई इज इक्वल टू हाफ का मतलब वो यहां कहीं लाई करेगा, और वाई इज इक्वल टू हाफ इज अ लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो हमारा ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू हाफ। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन माइनस पाई से पाई के बीच में अगर हम देखें तो कितने मिलेंगे, 1 और 2, दो जगह ही इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 होंगे। ठीक वैसे ही अगर ये कहता कि इन दोनों इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालिए तो भी हम एक का ग्राफ बनाते, दूसरे का ग्राफ बनाते और जहां जहां वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ग्राफ का होगा सॉल्यूशंस उन्हीं पॉइंट को कहते हैं, तो एक्स की उन वैल्यूज को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो सॉल्यूशन होंगी, लेकिन हमें यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह रहा है, सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करने को नहीं कह रहा है। अगर सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करने को कहता तो शायद ग्राफ से नहीं करते, यहां हम ग्राफ के थ्रू सिर्फ ये पता कर सकते हैं इजीली कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो दो जगह इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे, वो वैल्यूज क्या होंगी, तो ये पॉइंट को अगर हम लोग एक्स पे देखेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो उस सॉल्यूशन का वैल्यू होगा, यानी एक्स की वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो वो इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह रहा है या दो दिए हुए क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने को कह रहा है। तो इस तरीके से करते हैं।